सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका प्रिया सिन्हा हूँ। आज हम तृतीय वर्ग को पाठ 5 जीवन एक झरना कविता को पढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले हम इस कविता के कुछ कठिन शब्द को पढ़ेंगे, उनका अर्थ जानेंगे। सबसे पहले दिया हुआ तीर, तीर मीन्स किनारा। किनारा जैसे नदी के पास लास्ट में जो बचता है इस तरह, उसको किनारा बोलते हैं। रा, रा मीन्स रास्ता। गति, गति चाल जोश। यौवन, यौवन मीन्स जवानी। मन मानी, मन चाहा। धनु मीन्स लगन होता है। इस पार्ट का ये कठिन शब्द है, इसको हम लोग पहले अच्छे से याद कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कविता पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है कविता जीवन एक झरना। कविता का नाम है फर्स्ट, यह जीवन क्या है, झरना है, मस्ती ही इसका पानी है। इसका अर्थ हुआ, कवि कहते हैं कि मनुष्य का जीवन कल कल बहते हुए किसी झरने के समान है। मनुष्य का जोश और उसकी मस्ती बहते हुए पानी की तरह होती है। हम लोग जीवन जो होता है मनुष्य का, वो झरने के जैसा होता है। जैसे झरना हमेशा मस्ती में बहते रहता है, वैसे मनुष्य का जीवन भी मस्ती में चलते रहता है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा है राह, मनमानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह, मनमानी है। जिस प्रकार झरने अपने दोनों किनारे से होकर बहता रहता है, उसी तरह मनुष्य को जीवन में अपने साथ साथ चलने वाले सुख दुख रूपी दोनों किनारों से होकर मनमानी ढंग से चलता रहता है। जैसे झरना अपने दोनों किनारों से बहते रहता है, वैसे ही मनुष्य को दुख सुख के साथ दोनों को अपनाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। झरने में गति है, यौवन है, वो आगे बढ़ता जाता है। झरने में बहते रहने का गुण है, झरने में जवानी का जोश है, वो आगे ही आगे बढ़ता रहता है। इसी तरह मनुष्य में भी आगे बढ़ते रहने की लालसा और शक्ति होती है, वह जीवन में आगे ही आगे बढ़ता रहता है। उसे अपनी मंजिल का पता नहीं होता है। जैसे झरना को जहाँ से बहना है वो वहाँ से अपने गति में बढ़ता रहता है, वो किसी के लिए न रुकता है, वो सिर्फ आगे बढ़ता रहता है। वैसे ही मनुष्य को भी झरने की तरह लालसा रखना चाहिए, उसे न ये सोचना चाहिए कि मेरे मंजिल कहाँ है और कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है, बस झरने की तरह उसे भी बहता रहना चाहिए। धनु एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। झरने को उस आगे बढ़ते रहने की लगन है, इसलिए वो अपनी मस्ती में गाता हुआ आगे बढ़ता रहता है। झरना को अपनी लगन रहती है कि उसे मुझे आगे बढ़ते रहना है, वो अपनी लगन में आगे बढ़ते रहता है। झरना कहता है बढ़ो चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर। झरना कहता है कि आगे बढ़ते रहो, कभी भी पीछे मुड़कर मत देखो। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत होगा क्या चलकर। युवावस्था का भी संदेश है कि चलते रहो, चलते रहो, यह मत सोचो कि चलते रहने से कुछ मिलेगा या नहीं। उसे कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका फल मिलेगा या
नहीं मिलेगा, उसे हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मर जाना है, रुक जाना है, झरना या झरकर कहता है, चलना है केवल चलना है, जीवन चलता रहता है। झरना का कहना है कि हमें हमेशा चलते ही रहना चाहिए, चलते रहना ही जीवन है। मनुष्य को निरंतर कार्यरत और प्रसन्न रहना चाहिए, मनुष्य को हमेशा अपना कार्य करते रहना चाहिए और हमेशा चलते रहना है। मर जाना है, रुक जाना ही झरना या झरकर कहता है, जिस दिन चलना रुक जाएंगे वही मृत्यु का दिन। जिस दिन वह कार्य करना अथवा प्रयास करना बंद कर देगा, उस दिन वह जीते जी मृतक की तरह सो जाएगा। झरना का क्या मतलब है कि हम लोग को हमेशा कार्य करते रहना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। अगर जिस दिन हम लोग रुक जाएंगे तो हम लोग जीते जी मृतक के समान होंगे, जीवित तो रहेंगे लेकिन एक मृतक की तरह, मरे हुए इंसान के तरह हम लोग जिंदगी जिएंगे। इसलिए हम लोग झरने के तरह हमेशा आगे बढ़ते रहना है। इस कहानी में हमें यह संदेश मिलता है कि चाहे कैसे भी हमारे परिस्थिति हो, कैसी भी जिंदगी में दुख या सुख कैसा भी हो, हमें हमेशा झरनों की तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। इस कविता में आपको क्वेश्चन प्रश्न उत्तर है। कविता को 2-3 बार पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे। कविता को पढ़ने के बाद इसका प्रश्न उत्तर है। कविता से है, उत्तर लिखें, जीवन की तुलना किससे की गई है और क्यों। प्रश्न है कि जीवन की तुलना किससे की गई है और क्यों। तो इसका उत्तर होगा, जीवन की तुलना झरना से की गई है क्योंकि मनुष्य का जीवन कल कल बहते हुए किसी झरने के समान है। मनुष्य का जोश और उसकी मस्ती बहते हुए पानी की तरह होती है। इसलिए हम लोग झरने का तुलना मनुष्य के जीवन का तुलना झरने से किया गया है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जीवन की तुलना झरना से की गई है क्योंकि मनुष्य का जीवन कल कल बहते हुए किसी झरने के समान है। मनुष्य का जोश और उसकी मस्ती बहते हुए पानी की तरह होती है। दूसरा प्रश्न है, जीवन के झरनों में कौन सा पानी है। जीवन के झरनों में कौन सा पानी है। तो जीवन के झरने में जोश और मस्ती का पानी है। किसका पानी है? जोश और मस्ती का। सुख दुख किसके समान है। सुख दुख झरने के दोनों किनारों के समान है जो निरंतर झरता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। सुख दुख का तुलना हम लोग किससे किए गए? झरना के दोनों किनारों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे पता चलता है कि झरने में यौवन है। क्वेश्चन है कि कैसे पता चलता है कि झरने में यौवन है। झरने में बहते रहने का गुण है जिससे पता चलता है कि झरने में जवानी का जोश है, वो आगे ही बढ़ता रहता है। झरना हमसे क्या कहता है। झरना का कहना है कि हमें हमेशा चलते ही रहना चाहिए। चलते रहना मनुष्य को निरंतर कार्यरत और प्रयासरत रहना चाहिए। रुक जाना किसके समान है। रुक जाना जीते जी मृतक के समान होता है। किसके समान होते? जीते जी
मृतक के समान होता है, रुक जाना। छः प्रश्न है, उसके बाद है काव्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर काव्यांश दिया हुआ है, काव्यांश है झरने में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है, धनु एक सिर्फ है जलने की, अपनी मस्ती में गाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, झरने में क्या है? तो झरने में क्या है, झरने में बहते रहने का गुण है। झरने में क्या है, झरने में बहते रहने का गुण है। झरना कहाँ जाता है, झरना आगे ही आगे बढ़ता जाता है। झरने में क्या धनु है, झरने में आगे बढ़ते रहने का धनु है। धनु मीन्स होता है लगन। झरना किस में गाता है, झरना अपनी मस्ती में गाता है। काव्यांश पढ़कर प्रश्न उत्तर देना था, उसके बाद है सरलार्थ लिखो। एक पैराग्राफ दिया है, उसका अर्थ लिखना है। जैसे पैराग्राफ है, चलना है केवल चलना है, जीवन चलता रहता है, मर जाना है रुक जाना है, जाना ही झरना यह झरकर कहता है। इसका सारांश लिखना है तो पहले ये लिखे, चलना है केवल चलना है, जीवन चलता रहता है, मर जाना है रुक जाना ही झरना यह कर कहता है। इसका सारांश होगा कि हमें हमेशा चलते ही रहना चाहिए, चलते रहने ही जीवन है। मनुष्य को निरंतर कार्यरत और प्रसरत रहना चाहिए। इसका सारांश लिखेंगे। फिर है कविता से आगे, इसमें कुछ दो प्रश्न है, आपकी बात अपनी अनुसार इसमें उत्तर देना है। क्या आप अपने जीवन को मस्ती से जीते हो? तो हाँ, हम अपने जीवन को मस्ती से जीते हैं। क्या, तो इसका आंसर होगा हाँ, हम अपने जीवन को मस्ती से जीते हैं। क्या जीवन के लिए झरने का उदाहरण ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है, क्या जीवन के लिए झरना का उदाहरण ठीक है? तो हाँ जीवन के लिए झरने का उदाहरण ठीक है, क्योंकि जीवन और झरना का गुण परस्पर समान है। जो हमारे जीवन का गुण होता है वैसे ही झरना का गुण है, क्योंकि मनुष्य को भी हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, उसे मंजिल का कभी लालसा नहीं रहना चाहिए कि हमारा मंजिल है या भी नहीं, उसे सिर्फ आगे बढ़ते रहना चाहिए झरने की तरह। फिर है तुक मिलाते शब्द लिखो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ रहता कहता, एक दूसरे से मिलता जुलता शब्द लिखना। तो रहता कहता चलना टहलना, तीर खीर आगे भागे, मस्ती हस्ती। फिर है वाक्य बनाओ, इसमें वाक्य बनाना है। फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है गति, गति से वाक्य बनाना है। मनुष्य का जीवन झरने की गति जैसा चलता है, गति से वाक्य बनाए, मनुष्य का जीवन झरने की गति जैसा चलता है। मस्ती है तो मस्ती का हो जाएगा, झरना अपनी मस्ती में गाता है, झरना। फिर झरना से वाक्य बने, झरने में गति है चलना, जीवन चलता रहता है। आपको वाक्य बनाना है। उसके बाद अब अपने फेयर कॉपी में सबसे पहले शब्दार्थ लिखेंगे, और शब्दार्थ के बाद प्रश्न उत्तर लिखेंगे, फिर काव्यांश भी लिखेंगे, सरलार्थ भी लिखना है कविता से आगे वाले क्वेश्चन में, तुक मिलाते शब्द, वाक्य बनाए, ये सब आपको फेयर में नोट करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।